ईकैट के हवाले से आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस। यानी फर्स्ट डे का ये चैप्टर नंबर 3 है जिसके अंदर हम सिर्फ इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन टॉपिक्स रिलेटेड हमारे पास ईकैट में किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। हम स्टार्ट ही एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट है 1 times m, यानी 1 by m, नॉट टाइम्स बल्कि 1 by m का ऑर्डर जो है वो लिखा हुआ है और हमें हमसे पूछा गया है कि ये रो मैट्रिक्स है या हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है या हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है या हमारे पास ये यानी फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें जो चीज हमें हमें स्टार्ट में गिवन है वो क्या है, ऑर्डर गिवन है मैट्रिक्स का। अब ऑर्डर में हम जानते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, यानी जो वन है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और जो एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो रो है वो कितनी है, जस्ट वन है, यानी एक रो है, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एम, यानी एम कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर कॉलम्स देखते हैं आप तो उसका मतलब है कि जैसे अगर मैं मैट्रिक्स लिखता हूं 1, 2, 7, 8, 9 एंड डैश डैश, लेट्स से कि मैं सपोज करता हूं कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी अगर आप रो देखें तो जस्ट एक है जबकि कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू एम। तो ऐसे मैट्रिक्स को जाहिर है सिंगल रो मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हम कोई ऑप्शन पिक करेंगे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स आप ऑब्वियसली नहीं हो सकता, इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जस्ट एक कॉलम हो, ठीक है, और नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता बिकॉज नल मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो होती हैं। उसके बाद डायगोनल एंट्रिक्स मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होती हैं, बाकी यानी उसमें कम अज कम एक एंट्री या एक एलिमेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है, बाकी तमाम जो है वो जीरो होती है, तो दोज आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो लिहाजा रो मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। इसी तरह अगर एमसीक्यू इस तरह से हो जी n by n cross 1, ये किस ऑर्डर का है, अब इसमें बगैर ऑप्शन के हम बता सकते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि n इज द नंबर ऑफ रोज एंड 1 इज द नंबर ऑफ कॉलम, तो मीन के कॉलम अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए 1 पे जबकि नंबर ऑफ रोज इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। सो ऑप्शन में उसी तरह से 4 ऑप्शन होंगे तो आप उसमें कॉलम मैट्रिक्स को टिक कर देंगे बिकॉज इसमें कॉलम 1 है और रोज काफी ज्यादा है, जैसे 2, 5, 7, -6, 0 एंड अप टू n तक, यानी नंबर ऑफ रोज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, यानी जा रही हैं अप टू n तक, जबकि कॉलम्स अगर आप देखें तो कॉलम जस्ट एक ही, ये सिंगल यानी वन कॉलम है, तो इसलिए हम ऐसे को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से हमसे यूं भी पूछा जा सकता है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन हो जैसे है, जैसे मैट्रिक्स है 2, 0, 0 and then 0, 2, 0 and then 0, 0, 2, और हमसे ये पूछा जाए कि ये इधर स्केलर मैट्रिक्स है, यानी क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर यानी ऑप्शन बी, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नन, यानी कोई इनमें से कोई भी नहीं। तो अब हम जानते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स, सबसे पहले देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स ऑब्वियसली एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो आपका प्राइमरी डायगोनल है, प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज में कम अज कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी, डायगोनल की बात करें तो हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज में कम अज कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकती है नॉन जीरो। लेकिन जब आप स्केलर की बात करते हैं तो हम स्केलर में कहते हैं जी कि स्केलर में जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम होनी चाहिए, मतलब अगर यहां पे 5 है तो ये थ्रू आउट 5 होना चाहिए, यहां पे -2 है तो थ्रू आउट -2 होना चाहिए। अब क्योंकि यहां पे 2 है तो लिहाजा यहां पे भी आप 2 देख रहे हैं, यानी डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम एक जैसी हैं, यानी तमाम की तमाम 2 हैं, तो इसका मतलब है ये एक स्केलर, ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जो कि स्केलर है,
इन्हें हम इसको डायगनल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जो कि साथ स्केलर भी है, बट रेक्टेंगुलर में नहीं है, बिकॉज रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक जैसे नहीं होते। इसमें अगर आप देखें तो थ्री ही रोज हैं और थ्री ही रोज हैं हमारे पास और ये थ्री ही कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता। आइडेंटिटी में जो आपकी डायगनल एंट्रीज हैं उनका 1 1 1 होना जरूरी है, जबकि ये 1 1 1 नहीं है। इसी तरह ना ये ऑप्शन हो सकती है ना ये ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन इज स्केलर, तो हम स्केलर को मार्क कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास ये भी ऑप्शन, यानी इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है। हमें तीन मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, जिसमें है 1 0 0। ये मैं वही उठा रहा हूं जो कि आपके पास पेपर्स में ये चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है जो कि है 3 0 0 0 3 0 एंड 0 0 3। और इसी तरह से अगर नेक्स्ट पे आ जाओ तो वो क्या है 4 0 0, उसके बाद 0 4 0 एंड 0 0 4। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यानी विच वन ऑफ दिस इज नंबर 1, रोमन में है ये नंबर 2 है एंड दिस इज नंबर 3। तो पूछा जा रहा है विच वन ऑफ दीज आर स्केलर सॉरी डायगनल मैट्रिक्स, यानी इन तीनों में विच वन इज डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स। अब ऑप्शन में हमारे पास एक तो है 2 ओनली, यानी सिर्फ जो सेकंड वन वाला है वो 2 एंड 3 2 एंड 3। इसके बाद 3 ओनली, यानी जो नंबर तीसरे वाला है, या ऑल। अब अगर आप देखें तो हमारे दरमियान डायगनल, स्केलर एंड जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब हम इन तीनों को स्टडी करते हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं तो हमें लगता है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल नहीं होता? तो दिस इज रॉन्ग। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल भी है, बिकॉज डायगनल मैट्रिक्स के अंदर हम बात करते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगनल एंट्रीज है वो एटलीस्ट वन एंट्रीज में नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये अगर आप देखें तो इसमें एटलीस्ट तीनों एंट्रीज नॉन जीरो है। इसका मतलब है हर डायगनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, लेकिन हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल है। इसका मतलब है नंबर 1 भी डायगनल है, तो लिहाजा ये ऑप्शन तो यहां से गलत होगी। यानी एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त मैं हमेशा इंकरेज करता हूं स्टूडेंट्स को कि जो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, जो आपका एलिमिनेशन मेथड आप उसको फॉलो करें। अब देखें आपका सेकंड निकल गया, पीछे आपको इन तीनों में से सेलेक्ट करना है। दिस इज ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 है, तो आप तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाए थर्ड पे, आ जाए लेट सपोज थर्ड पे। अब थर्ड बजायर हमें लग रहा है कि इसमें सेम एंट्री रिपीट हो रही है 4 4, यानी डायगनल में बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हैं लेकिन डायगनल की नॉन जीरो हैं। अब इसमें नॉन जीरो होने की वजह से अब 4 और एंट्री भी रिपीट हो रही है सेम है थ्रू आउट डायगनल में, तो हम बोलते हैं ये स्केलर है। क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगनल होता है? तो फॉर श्योर कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगनल होता है, लेकिन अगेन हर डायगनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होता, हर डायगनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगा, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स डायगनल है। इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो ए डायगनल मैट्रिक्स। इसका मतलब है 3 ओनली, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी आपने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आ जाए इसके ऊपर 3 0 0, अब ये भी एक स्केलर है, लेकिन स्केलर होने के साथ साथ दिस इज ऑल्सो ए डायगनल, ये डायगनल भी है, तो लिहाजा 2 एंड 3 वाली ऑप्शन भी गलत, बिकॉज नॉट सिर्फ 2, हमने देखा 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, तो इसका मतलब है आंसर शुड बी ऑल, तो हम जो ऑल वाली ऑप्शन होगी उसको सेलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि तमाम स्केलर्स और तमाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल होते हैं, लेकिन तमाम डायगनल मैट्रिक्स स्केलर या आइडेंटिटी नहीं हो सकते। इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू है जो कि एक और टाइप ऑफ मैट्रिसेस रिलेटेड है। इसमें देखते हैं जी कि हमने ये बताना है कि गिवन मैट्रिक्स को हमने देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, रेक्टेंगुलर है, स्क्यू सिमेट्रिक है और या नन है, यानी कोई भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर हम रेक्टेंगुलर को चेक करते हैं, रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 ही रोज हैं और 3 ही हमारे पास रोज हैं, ठीक है, और 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ये इट्स नॉट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब रह गया 1, यानी ए सी और डी में। अब इसमें अगर आप देखें तो सिमेट्रिक टेस्ट करने के लिए क्या होता है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है अगर मैं इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, और ट्रांसपोज लेने से ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया तो ये होगा सिमेट्रिक, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं और ट्रांसपोज लेने पे ये नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ गया तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स। अगर ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं आती तो आई विल गो फॉर नन, मैं डी ऑप्शन पे चला जाऊंगा। चले जी, सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, अगर मैं रोज को कॉलम में लिख दूं और कॉलम्स को रोज में लिख दूं, तो ये वाला जो काम है वो मैं यहां पे ही करता हूं। ठीक है, मैं यहां पे ही कर लेता हूं। देखें जी, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसकी रोज को मुझे कॉलम बनाने हैं, 1, 3 एंड 5। ठीक है, ये देखें रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, अब 3, 9, 6 को मैं कॉलम में लिख दूंगा, 3, 9, 6, यानी सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 5, 6 एंड 8। अब हम देखते हैं कि क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल है, यानी दिस इज ट्रांसपोज। तो अगर आप देखें तो 1, 3, 5 ठीक है, 3, 9, 6 ठीक है, 5, 6, 8, तो देखें ट्रांसपोज लेने पे भी वो गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू ए। इट मीन कि दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये यानी ट्रांसपोज लेने पे नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाता, यानी नेगेटिव साइन हमें कॉमन लेना पड़ता और कॉमन लेने के बाद वो ए के इक्वल आता, तो मैं इसको क्या कहता, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू है जो कि बेस करता है, जिसमें हमने बताना है कि आइडेंटिफाई कि गिवन मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन है, सिमेट्रिक है, स्क्यू हर्मिशियन है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अब चार ऑप्शंस हैं। अब हम जानते हैं कि सिमेट्रिक, सबसे पहले अगर हम सिमेट्रिक की लेट से बात कर लेते हैं, चूंकि प्रीवियसली हम सिमेट्रिक पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं तो ये गिवन मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए या नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए, तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब मैं गिवन मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेता हूं तो वो ये रो ये कॉलम बन जाएगी, 0 और 2 प्लस 5 iota, और इसी तरह से इसका मैं दोबारा से जो सेकंड रो है इसको मैं सेकंड कॉलम बनाता हूं, -2 प्लस 5 iota और 0। इसका मतलब है ये अगर आप देख लें तो गिवन मैट्रिक्स से इक्वल नहीं आया। अगर हम इसमें नेगेटिव कॉमन भी ले लें तो ये +2 बन जाएगा और ये -5 iota, ठीक है, लेकिन -5 iota कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है ना ये सिमेट्रिक है, यानी ये भी निकल गया, और ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी निकल गया। अब रह गया हर्मिशियन में और स्क्यू हर्मिशियन में। अब हर्मिशियन में क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, अगर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांस जो है वो कॉन्जुगेट लिया जाए, कॉन्जुगेट का मतलब है अगर 2 प्लस 5 iota है तो 2 माइनस 5 iota, इसका कॉन्जुगेट यानी एंट्री को किसी ऐसी एंट्री से मल्टीप्लाई करो कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है यानी आयोटा वाला पार्ट है वो खत्म हो जाए। तो लिहाजा 2 प्लस 5 iota का कॉन्जुगेट का होगा 2 माइनस 5 iota, -2 प्लस 5 iota का कॉन्जुगेट होगा -2 माइनस 5 iota। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं और कॉन्जुगेट का फिर ट्रांसपोज ले लूं, और इस तरह करने से अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है वो हर्मिशियन होगा। अगर वो नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स से इक्वल आया तो इसका मतलब है स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये किस तरह से आता है, यानी किसके इक्वल आता है। चलें जी, मैं सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूं। ठीक है, इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूं, यहां से हम स्पेस बना लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये ना सिमेट्रिक है और ना स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में से सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, तो कॉन्जुगेट मेरे पास बन जाएगा 0 और 2 माइनस 5 iota और बन गया -2 माइनस 5 iota और 0। जस्ट मैंने साइन चेंज कर दिया, जस्ट मैंने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। अब इसका मुझे ट्रांसपोज भी लेना है, यानी ये तो हो गया कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज रोज कॉलम में चले जाए, यानी 0 और 2 माइनस 5 iota, इसी तरह से ये अब सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -2 माइनस 5 iota और 0। तो मैंने देखा कि ये ए के इक्वल नहीं आया, यानी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, कॉन्जुगेट लेने से और उसका ट्रांसपोज लेने से गिवन मैट्रिक्स से इक्वल नहीं आया। लेकिन अगर इसमें मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, यानी अगर मैं इसमें नेगेटिव कॉमन ले लूं, तो ये जो नेगेटिव है ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, और ये नेगेटिव बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। अब आप देखें नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑब्वियसली इसके इक्वल है 0, 2 प्लस 5 iota, ये देखें 2 प्लस 5 iota,
माइनस टू प्लस फाइव आयोटा, माइनस टू प्लस फाइव आयोटा एंड जीरो. इसका मतलब है अगर मैं इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लूं और फिर उसका ट्रांसपोज लूं तो वो मेरे पास नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, यानी नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. अगर ये मैट्रिक्स ए हो तो इसका मतलब है दिस इज स्क्यू हर्मिशियन, तो लिहाजा आई विल पिक दिस बी ऑप्शन. तो मेरे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर बी. इसी तरह से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर या क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन के अंदर एमसीक्यू इस तरह से भी आ सकता है जिसमें हमसे पूछा जाएगा जी चार ऑप्शंस हमारे पास हो सकती हैं, जिससे पूछा जा रहा है कि वेदर दिस ट्रायंगल इज दिस जो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ठीक है, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, या इसके अलावा जो है वो हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, और लास्ट है नन, लास्ट है नन. अब अगर आप देखें तो अपर और लोअर ट्रायंगुलर, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन जीरो एंट्रीज के ऊपर ट्रायंगल बने लेकिन इस मैट्रिक्स की अपर साइड पे बने, जैसे ये अगर आप ये देखें तो ये एक ट्रायंगल है लेकिन किधर बन रही है, अपर साइड पे बन रही है. अगर अगर ये वाली एंट्रीज नॉन जीरो हो जाती ठीक है तो ये लोअर ट्रायंगल हो जाती, यानी इसमें से अगर एक भी नॉन जीरो हो तो हम इसको लोअर ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट के फिर ये वाली एंट्रीज हैं वो जीरो हो जाए. अब चूंकि इसमें जो आपके डायगनल के लोअर एंट्रीज हैं, यानी डायगनल के प्राइमरी डायगनल के जो नीचे एंट्रीज हैं लोअर साइड पे ठीक है, यानी लेफ्ट साइड पे कह लें या लोअर साइड पे कह लें, तो ये जीरो है, इसलिए ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर है, यानी इसमें देखें अपर जो है ट्रायंगल बन रही है. इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर. लोअर ट्रायंगुलर कैसे हो सकता है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम ये बात जानते हैं कि अगर ये वाली एंट्रीज, ये वाली एंट्री जीरो कर दी जाए और ये वाली नॉन जीरो कर दी जाए, इनमें से कोई एक आध नॉन जीरो कर दी जाए, ये सारी नॉन जीरो कर दी जाए और ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री अगर जीरो जीरो कर दी जाए तो दिस विल बिकम लोअर ट्रायंगुलर, यानी जिसमें लिखता हूं 3, 5, 0, 1, 5, 2, 0, 0 and 0. अब ये क्या बन गया अगर आप देखें तो दिस बिकम्स लोअर ट्रायंगुलर. तो ये इस तरह का मैट्रिक्स जो होता है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा ठीक है. और अगर इन दोनों को मिलाया जाए, यानी अगर हम इनको एक नेम दे दें कि लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर टुगेदर, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यानी यूं भी हो सकता है समटाइम वो आपको इस तरह से भी पजल कर देते हैं कि आपको वो ऑप्शन दे देगा अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर और साथ ही दे देगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर दोनों मैट्रिक्स दे दिए हैं आप उसमें कंफ्यूज हैं अपर या लोअर हैं तो एंड पे हो सकता है उसने दिया और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी वन नेम, तो आप उन दोनों के लिए वन नेम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उसको आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाले को मार्क करेंगे. तो ये थी कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस ठीक है. लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी उसकी ऑपरेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज क्या है.